प्रतापनगर स्थित बुर्जीवाला मंदिर में मॉर्निंग क्लब का 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी व्रत कार्यक्रम शुरू हो गया है। इस धार्मिक आयोजन में पंडित चक्रवर्ती पांडे ने 41 जोड़ों को विधि विधान के साथ एकादशी व्रत की पूजा कराई। प्रतापनगर स्थित बुर्जीवाला मंदिर में मॉर्निंग क्लब का 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी व्रत कार्यक्रम शुरू हो गया। इस धार्मिक आयोजन में पंडित चक्रवर्ती पांडे ने 41 जोड़ों को विधि विधान से एकादशी व्रत की पूजा कराई। मॉर्निंग क्लब के अध्यक्ष रमेश चंद अग्रवाल ने बताया कि संस्था कई सालों से सामूहिक एकादशी व्रत पूजा का आयोजन कराती आ रही है। इसमें इस बार 41 जोड़ों ने भाग लिया है। ये हम चतुर्थ सामूहिक एकादशी उद्यापन आयोजित कर रहे हैं और ये 4 साल पहले प्रभु प्रेरणा और विठलनाथ मंदिर के महंत की कृपा से हम 4 साल पहले इस प्रोग्राम को शुरू कर पाए और आज ये चौथा हमारा सफल आयोजन है। इसमें 41 जोड़े यजमान बन के बैठे हैं। आज बुर्जीवाले मंदिर में मॉर्निंग बाग क्लब द्वारा एकादशी उद्यापन का 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम में करीब 43 जोड़े जो है वो अपना एकादशी उद्यापन करा रहे हैं। ये वो जोड़े होते हैं जो बुजुर्ग दंपति होते हैं और जिनको जिनके पास साधन नहीं है उनके लिए मॉर्निंग बाग क्लब ने ये एक बीला उठाया और एकादशी उद्यापन का ये बहुत ही पावन पूर्ण कार्य है। सामूहिक एकादशी व्रत कार्यक्रम को लेकर मॉर्निंग क्लब से जुड़ी महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। ये मॉर्निंग बाग क्लब की तरफ से एकादशी उद्यापन का कार्यक्रम है। कहते हैं एकादशी व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला होता है, बप्पो पार करने वाला होता है। इसी सिलसिले में आदमी व्रत तो रख लेता है लेकिन किसी परिस्थिति वर्ष वो नहीं कर पाता है। इसी सिलसिले में हमारी क्लब की संस्था ने ये बीड़ा उठाया है कि हम सबको व्रत का उद्यापन कराएंगे। मैं तो ये है कि विष्णु जी की बहुत ही प्रिय एकादशी मानी जाती है। इसके व्रत से पूजन से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर व्यक्ति की श्रद्धा और जहाँ तक कि स्त्रियाँ हैं उनकी तो एकादशी में बहुत ही ज़्यादा आस्था है और परिवार के सुख शांति के लिए इसका उद्यापन भी करते हैं और इसका व्रत भी करते हैं। वहीं 2 दिवसीय सामूहिक एकादशी व्रत कार्यक्रम का समापन 6 फरवरी को होगा। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।